हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक ऐसे समय में जब चीन के खिलाफ हम भारतीयों का गुस्सा एकदम चरम सीमा पर हो और उसी गुस्से और नाराजगी की वजह से जब हम टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर रहे हो और प्ले स्टोर में जाकर उसकी रेटिंग गिरा रहे हो, और तभी हमें पता चले कि एक इंडियन ऐप है जो बिल्कुल टिकटॉक की तरह काम कर रही है, तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। लेकिन रुक जाइए, इंस्टॉल करने से पहले हमारे वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर पहुंचिए किसी निर्णय पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो बिल्कुल टिकटॉक की तरह हो और इंडियन भी। बिल्कुल ऐसी ऐप है प्ले स्टोर में, उसका नाम है मित्रो। आप लोगों में से बहुतों ने उसे इंस्टॉल भी कर लिया होगा, और कि जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया वो पहले वीडियो देख लें फिर इंस्टॉल करें या नहीं। दोस्तों, आप सब की तरह मुझे भी बहुत खुशी हुई थी ये देखकर कि एक भारतीय ऐप भी है जो टिकटॉक को टक्कर दे सकता है। लेकिन मेरी ये खुशी थोड़ी देर में ही हवा हो गई, और जितनी खुशी मिली थी उससे कहीं ज़्यादा मन में दुख और गुस्सा भर गया ये जानकर कि ये पहले से मौजूद टिकटिक नाम ऐप की रीब्रांडिंग है और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल टिकटॉक की कॉपी है और कुछ नहीं। क्यों, मतलब क्यों दोस्तों हम भारतीय ऐसा करते हैं? क्या हम एक ऐप बढ़िया नहीं बना सकते बिना फ्रॉड या कॉपी किए? कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा, ऐसे ही एक भारतीय ने हमें सपना दिखाया था 251 रुपए में फ्रीडम नाम के मोबाइल का, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक फ्रॉड था। लेकिन उसकी बात फिर कभी। आज हम बात करेंगे मित्रो ऐप की। तो मैंने जैसे ही इस ऐप के पेज पर जाकर प्राइवेसी पॉलिसी खोलनी चाहिए तो पहले तो ये खुला ही नहीं, बहुत कोशिशों के बाद खुला भी तो मुझे देखकर ये हैरानी हुई कि इनकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है ही नहीं। मतलब ये बहुत ही अजीब बात है कि किसी ऐप की कोई प्राइवेसी पॉलिसी ना हो, और वो भी एक ऐसे ऐप की जो हमसे का हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर कैमरा गैलरी और माइक्रोफोन की इजाज़त मांगता हो, और उस परमिशन का वो करते क्या है ये हमें बताता ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये ऐप इतनी पॉपुलर हो गई है इंडियन के नाम पर और इसके 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर भी हो चुके हैं, और अभी तक इसका डेवलपर सामने नहीं आया है कि हाँ मैंने इस ऐप को बनाया है, जबकि ये बड़े गर्व की बात है। तीसरी बड़ी बात कि इसके कंटेंट भी टिकटॉक के ही हैं, कोई जेन्युइन यूजर नहीं, बस टिकटॉक के वीडियोज को उठाकर यूज कर लिया गया है। और अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है इस ऐप को तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे कि आप कंटेंट चाहे अपलोड करना तो वो भी नहीं हो पा रहे होंगे। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी बात पर कि इसकी रीब्रांडिंग। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल टिकटिक नाम के पहले से मौजूद ऐप की रीब्रांडिंग है। तो दोस्तों, सिर्फ इस नाम पर कि ये या कोई और ऐप इंडियन है या इंडियन ने बनाई है और जिसका आता पता नहीं है उसके डेवलपर का और ना ही उसके प्राइवेसी पॉलिसी का, क्या उसे आप इंस्टॉल करेंगे? मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये जानकर कि बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर ने इसे प्रमोट भी किया बिना ये जाने समझे पता लगाए कि आखिर में ये ऐप है क्या और क्या कैसे काम करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।